दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम जो सीरीज़ लेकर आए हैं, उस सीरीज़ में हम बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने कस्टम वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप टेम्पलेट चूज करके आप कैसे अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो फीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो W3 स्कूल आपको एक नया फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। और W3 स्कूल्स के बारे में आपको पता ही होगा, ये आपको ट्यूटोरियल्स बताते हैं कोडिंग के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग लाइक PHP, JavaScript, HTML, उन सब की बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। प्लस आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आपको दिखाता है, एंड आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। तो ये वेबसाइट आपको एक नया फीचर प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी मदद से आप अपने खुद के वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से वर्डप्रेस या अदर प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से आप सेम यहाँ पे कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप कस्टम कोड की मदद से कर सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा पार्ट है। एंड टेम्पलेट्स, ऑफ कोर्स टेम्पलेट्स भी आपको मिलते हैं। तो चलिए हम उसको क्रिएट करते हैं। तो आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है वेबसाइट। अगर मैं इस पे अपने कर्सर को लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है गेट योर ओन वेबसाइट विद W3 स्कूल स्पेस। तो बेसिकली जो उन्होंने फीचर लॉन्च किया है, उसका नाम है W3 स्कूल स्पेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गेट अ फ्री वेबसाइट, बिल्ट योर ओन वेबसाइट विद अ W3 स्कूल स्पेसेस। तो यहाँ पर स्पेसेस की मदद से, मतलब स्पेस की मदद से आप यहाँ पर अपना वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट बिल्डर है, ये एक्चुअली फ्री है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं, 2000 रिक्वेस्ट पर मंथ, 100 MB आपको डेटा सर्व किया जाता है पर मंथ, 100 MB का आपको स्टोरेज दिया जाता है, एंड 5 MB मैक्सिमम फाइल साइज आपको होना चाहिए। एंड जो डोमेन रहेगा वो w3spaces.com रहेगा। एंड उससे पहले आपका जो भी है, आप जो भी फाइल अपने डोमेन का नाम देना चाहते हैं, वो रहेगा .w3spaces.com। तो ये आप सब डोमेन में एक्चुअली बनाएंगे, एंड SSL सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। तो दोस्तों, मैं साइन अप हो चुका हूँ। जैसे कि आप देखेंगे, ऊपर राइट टॉप पे लॉग आउट आ रहा है, क्योंकि मैं अपने ईमेल से लॉग इन हूँ। एंड लेफ्ट साइड टॉप साइड पे आप देखेंगे माय लर्निंग पेड कोर्सेज वीडियो स्पेसेस सेटिंग एंड बिलिंग। तो आप ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं यहाँ पे। पेड कोर्सेज भी हैं, अगर आप कोई चीज़ कोर्स आप लर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप पेड कोर्सेज में जाके आप चूज कर सकते हैं आप कौन सा कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम स्पेसेस में, तो मैं आपको बता रहा था स्पेसेस में आप किस तरीके से अपने वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप जो फर्स्ट पेज है, जो स्टार्टिंग पेज है, वहां पे ये दिखा रहा है कि हाउ डू यू वांट टू क्रिएट योर स्पेस। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरीके से अपने स्पेस को यूटिलाइज करना चाहते हैं, विद टेम्पलेट और विद अ ब्लैंक पेज। तो पहले हम देखते हैं टेम्पलेट, हमें किस तरह के टेम्पलेट्स हमें मिलते हैं, और हम किस तरह के स्टाइल की वेबसाइट को हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ओके, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, एंड कंटिन्यू नीचे ऑप्शन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं। ठीक है, ब्लॉग, अगर आप कोई ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ब्लॉग का थीम चूज कर सकते हैं। ठीक है, फैशन ब्लॉग यूज कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड ये रहा। एंड बहुत सारे थीम है यहाँ पे। ठीक है, और पिक्चर गैलरी भी है यहाँ पे, पोर्टफोलियो, इंटीरियर डिजाइन के भी आपको थीम मिल जाते हैं, कमिंग सून, स्टार्ट पेज, बहुत सारे थीम आपको दिए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रैवल थीम भी है, सो मैं ट्रैवल थीम चूज करता हूँ आपको एग्जाम्पल देने के लिए। तो मैं इसको चूज करता हूँ, एंड टॉप पे जाऊंगा, कंटिन्यू का ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ। मेक माई ट्रेवल, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बुक नहीं कर रहा कोई डोमेन। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका मेन, आपका सब डोमेन का नाम है जो आपने दिया है, जिस URL के थ्रू आप अपने वेबसाइट को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, तो ये वो सब डोमेन का नाम है। एंड मेन डोमेन जो है, मैंने जैसे पहले आपको बताया था, w3spaces.com, ये आपके बैक पे रहेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल डोमेन की तरह नहीं रहेगा कि आपने कोई भी डोमेन आपने GoDaddy या किसी भी
होस्टिंग प्रोवाइडर या डोमेन प्रोवाइडर से आपने परचेज किया तो जो भी आपका डोमेन रहेगा xyz.com वैसे नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअली आपको प्रोवाइड कर रहा है W3 स्कूल के थ्रू, आप स्पेसिस के थ्रू आप अपना वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपका जो डोमेन रहेगा वो W3spaces.com रहेगा। तो ये हमारा सब डोमेन है, सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, स्पेस हार्डली 1-3 मिनट्स या 5 मिनट्स लेगा। ठीक है, तो आपका स्पेस क्रिएट हो जाएगा। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी 2-3 वेबसाइट बना रखे हैं, तो इस वजह से मुझे दिखा रहा है 2 स्पेसेस क्रिएटेड, प्लीज अपडेट योर सब्सक्रिप्शन एंड डिलीट अनदर स्पेस। तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं स्पेसेस में जाता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैंने ऑलरेडी डोमेन बना रखा है। तो वेबसाइट डेवलपर एंड मैंने अपना नाम डाल रखा है यहाँ पे, मैं आसाम से हूँ और मैं एज अ डेवलपर काम करता हूँ। तो मैंने जस्ट एग्जांपल, मैंने हालांकि अभी कोई वेबसाइट नहीं बनाया अभी तक, जस्ट एक सब डोमेन मैंने बना के बुक किया है। तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ, मेरा एक्चुअली कस्टम पेज है, मैंने टेम्पलेट्स नहीं चूज किया। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंडेक्स फाइल .html है एंड यहाँ पर वो पिक्चर दे रखा है। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ किस तरह का वेबसाइट ही दिखता है, तो मैं इसको ओपन प्रीव्यू कर लेता हूँ। जब तक ये साइट ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ और डिटेल बता देता हूँ। तो आप इस स्पेसिस को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो स्पेसिस है उसमें आप अपने स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं या कुछ और फाइल साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक अपग्रेड का ऑप्शन है, आप अपग्रेड पे क्लिक करेंगे एंड वो आपके फाइल साइज वगैरह सब कुछ आपके अकॉर्डिंग टू प्लान आपका अपग्रेड हो जाएगा। एंड अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे गेट अ डोमेन, तो अगर आप चाहते हैं कि आप spaces.com आपका डोमेन ना रहे, आप सब डोमेन के अंदर ना रहे, आपका एक इंडिविजुअल डोमेन रहे, तो आप गेट अ डोमेन करके आप अपने डोमेन बुक कर सकते हैं एंड आपको फुली फ्लैज जो आपका नॉर्मल डोमेन होता है, जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, करेंटली मैंने ये वाला थीम सेलेक्ट किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने ये वाला थीम सेलेक्ट कर रखा था। तो इस थीम के अकॉर्डिंग मैं अपने प्रोफाइल को डिज़ाइन करना चाहता था। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह के डिज़ाइन को मैं बनाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ है, ठीक है, गूगल में, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप सर्च करेंगे जलाल हुसैन वेब डेवलपर इन सिलचर, तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। तो मैं अपने प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है। तो मैं सेम लाइक इसकी तरह मैं अपना एक प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं अपने रिसेंट वर्क को शो करना चाहता हूँ कि मैं किस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह का एक डिज़ाइन बनाना चाहता था जो कि मुझे इस टेम्पलेट में मिला है। तो मैं इस टेम्पलेट को इसके साथ लिंकअप करके मैं एक अपना प्रोफाइल बनाऊंगा। तो जब भी मैं बनाऊंगा मैं उसके लिए आपको एक वीडियो जरूर शो करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने टेम्पलेट चूज कर लिया है एंड मैं अपने प्रोफाइल को सेम डिजाइन करना चाहता हूँ इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मुझे पहले टेम्पलेट के स्ट्रक्चर को समझना होगा कि किस तरह से ये टेम्पलेट डिजाइंड है एंड अकॉर्डिंग उसके मुझे अपना प्रोफाइल को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई एडिट, डायरेक्ट एडिट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट एक सिंपल सा टेम्पलेट है जो आपको प्रोवाइड कर रखा है, बट आप इसको अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं सेम स्पेसेस में चला जाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल फाइल अपलोडेड है इंडेक्स के नाम से। अगर आप इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा एक कोड स्ट्रक्चर खुल कर आ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और राइट साइड पे आप पूरा का पूरा कोडिंग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल में मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हालांकि मैं पूरा कोड को एडिट नहीं करने वाला हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप टेम्पलेट में जाएंगे, यहाँ पे जस्ट टेम्पलेट का सैंपल टेम्पलेट का नाम लिखा हुआ है, तो मैं इस नाम को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे, यहाँ पे ये जो नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपली मैं अपने नाम को एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड सेव का ऑप्शन है, सेव कर लेता हूँ मैं एंड मैं इस पे जाके, मैं इस टेम्पलेट पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा नाम चेंज हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, तो आप एडिट सेक्शन में जाके, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जहां जहां पे जो जो टेक्स्ट दिख रहे हैं आप उनको चेंज कर लेंगे और आपका एक स्टैटिक वेबसाइट बन जाएगा। आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं, आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, ऑनलाइन प्रोफाइल, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये जो लिंक है, फर्स्ट लिंक, आपको ये शेयर करना पड़ेगा। आप जिस
जिसको भी शेयर करना चाहते हैं एंड वो डायरेक्टली आपके प्रोफाइल को देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा एक इन्फॉर्मेशन था किस तरीके से आप फ्री में अपने वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, सिंगल पेज है बट अभी फिलहाल के लिए नया है तो ये ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बहुत ही सिंपल चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ये आपको इफेक्ट आपको मदद करेगा, इन इफेक्ट आएगा गूगल पे, क्योंकि बहुत ही लाइट वेबसाइट है, कोई एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं है इसमें एंड एक्स्ट्रा कोई सर्वर उस पर अटैच नहीं है कि आपका आपका जो वेबसाइट है वो टाइम लेगा लोड होने में, तो बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से बढ़िया है एंड सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेकर आके। ठीक है, कुछ नया इन्फॉर्मेशन, कुछ नई चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्द कुछ नई चीज़ को लेकर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के कुछ नए वीडियोस लेकर आऊँ और आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं या आप वेबसाइट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप सीखना चाह रहे हैं तो आपके लिए आई थिंक ये सबसे बढ़िया वेबसाइट है जहाँ पर आप सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।